जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा, हम संडे को घूमने निकले थे, बीच रास्ते में हमने एक अच्छी जगह देखी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उस जगह को एक्सप्लोर करूंगी। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। रास्ते में कामशेत से 10 किलोमीटर के दूरी पर कड़ाड़े गांव में ये ओनली रोज नर्सरी है। यहाँ पर अलग अलग कलर और वैरायटी के रोजेस की प्रोडक्शन प्रोसेसिंग की जाती है और उन्हें फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। ये नर्सरी का नाम क्या है? ओमकार रोजेस। उनका ओमकार? ओमकार रोजेस। ओके ओमकार रोजेस। तो ये सिर्फ रोजेस का आपका नर्सरी है पूरा? तो ये रोज कहाँ जाते हैं, मतलब लगाने के बाद? अपना महाराष्ट्र में भी जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र में वैलेंटाइन के टाइम परदेश में जाता है। अच्छा, आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर? करते हैं। ओके, तो ये कितनी बड़ी नर्सरी रहेगी आपकी? 20 एकड़ में पूरी नर्सरी है। इधर का 20 एकड़ में और आगे में 20 एकड़ में, 40 एकड़ का। मतलब आगे में किधर है? आगे में मतलब वो टाकवा, पता है क्या आपको टाकवा? वो जगह पे है। और ये कौन सी जगह? ये पौड़ है? ये पौना नगर है। पौना नगर है? पौना नगर में करदा गांव। करदा गांव, अच्छा। तो ये करदा गांव में पौना नगर में इनकी ये नर्सरी है। और ये नर्सरी के जो भी फूल है ना, ये सारे फूल उनके एक्सपोर्ट भी होते हैं, यहाँ से कुछ अपने यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी नर्सरी है यहाँ पर, और इतनी प्यारी नर्सरी यहाँ पर बनी हुई। यही सिर्फ नहीं है, इसके उस तरफ भी नर्सरी है। पूरा सिर्फ गुलाब ही गुलाब है। तो अभी गुलाब आए नहीं है, मतलब ये सिर्फ पौधे अभी नए लगाए? अच्छा, ये वाले नए लगे? ओके, हाँ, तो दिखाइए ना गुलाब का। पाँच पाँच बरस रहता है। हाँ, एक बार लगा है ना। अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, उसका प्रोडक्शन चलता रहता है, बाद में नया प्लांटेशन करना पड़ता है। ये पहले उसको 5 बरस पूरा हुआ है। ओके, इसलिए वो नया प्लांटेशन हुआ इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुबह आके काटते हैं आप लोग? ये कौन काटता है गुलाब? आप कोई स्पेशल इंसान आता है क्या? लेबर लोग जो आदमी लोग रखा है ना काम पे। हाँ हाँ, सुबह सुबह। लेकिन ये जब नहीं, इधर का ही है जो इधर रहते हैं। ओके, नहीं मतलब उसको काटते वक्त भी कांटे लगते होंगे ना, वो बीच में जाता कैसे है? जाता है वैसे, हर रोज करते हैं वैसे। कुछ पहनते होंगे ना कि उनको कांटे ज्यादा नहीं लगे? सलवार पहनते और एप्रन रहता है ऊपर से। ओके, क्योंकि कांटा तो बहुत लगता है, हैंग लूज रहता है। ओके, सिक्योर मतलब पूरा संरक्षण रहता है उसको, पूरा कवर करके फिर वो अंदर जाता है और सारे गुलाबों को, क्योंकि जिस तरह से वाड़ी लगी है तो वो तो उनको जाना भी डिफिकल्ट है अंदर से। तो हाँ, तो पौधे टूटते नहीं है वो जब भी अंदर नहीं, से जाता है। वो इतना बेड है ना। अच्छा, बहुत है उसका। अच्छा, बेड के ऊपर ही उसको पैर रखना है। ओके, देखो ना कितना बेड बड़ा है। अच्छा अच्छा, ये पूरा मिट्टी है, इतना बढ़िया है। और आगे भी सिर्फ गुलाब ही गुलाब है? हाँ, सब ये गुलाब, सब नीचे भी एक सेड़ है वो गुलाब है। ये लाल कलर का है नीचे, वो अपने हाफ पिंक देखा ना। हाँ, पिंक कलर नीचे। ओके, हाफ व्हाइट का वो है। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग कलर लगा के रखे आपने। ये सेड़ ने अभी नया लगा है ना। हाँ हाँ, वो पूरा पिंक कलर है। ओके, वो बंच देखा ना आपने? हाँ हाँ, पूरा एक पिंक कलर का खुदा। हाँ हाँ, वो वहाँ लगाया, वो जो अभी नया आपने दिखाया पहले, ये रेड है। और वहाँ पे दूसरी जगह पे, यानी टोटल 20 एकड़ में आपने गुलाब लगाए हुए? अच्छा, आपका नाम क्या बताया? मेरा नाम सुनंदा अड़कर। सुनंदा, अच्छा। और जो ओनर है उनका नाम क्या है? उनका ज्ञानेश्वर किशन राड़कर। ओके, ज्ञानेश्वर जी। तो आप लोकल भी बेचते हो ना इस गुलाबों को? लोकल भी बेचते, लेकिन बहुत कम बेचते हो? कम बेचते। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये क्या डाल रहे हो? दवाई डाल रहे हैं ताकि इससे कीड़ा नहीं लगे। ये ज्यादा मूली का रूट रहता है ना नीचे। हाँ, जमीन पे। हाँ, वो अच्छा हो जाए इसलिए वो दवा डाल रहे हैं। अभी जो उनको बहुत कर पड़ता है झाड़ के ऊपर, अभी कमजोर हो रहा है ना, 5-5 बरस एक झाड़ काम करता है। तो हमको भी खाना नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएंगे, इसलिए वो दवा डालना पड़ता है। अच्छा, यहाँ खाद भी ये नली से डालने जाता है। ओके, पानी भी ये नली से जाता है।
ऊपर से भी पानी, मतलब आपने उसका पानी का पूरा लाइन अंदर घुमाया हुआ है। ये देखो ये पानी का लाइन है, इससे थक भी जाता है। ये दवा का लाइन है, ये देखो ये पानी का लाइन है, थक का पानी का। ये पानी के लाइन से इनको गुलाब का, गुलाब को पानी दिया जाता है। अरे दवा का पाइप है। और ये जो नीचे ऑरेंज कलर की जा रही है ना, ये दवाई के लिए, मतलब उनको दवाई दी जाती है ताकि वो अच्छे से फले फूले और उनको कोई कीड़ा नहीं लगे, है ना। और वो जो डाल रहे हैं वो ड्राई दवाई डाल रहे हैं हाथ से। हाँ। तो ये कभी कभी क्या इंटरवल पे डालना पड़ता है इनको? हाँ, डालना पड़ता है वो महीने में एक दो बार। महीने में एक दो बार डालना। ओके ठीक है। इधर पैकिंग होता है, फूल का भी पैकिंग चालू है, देखेंगे। मतलब ये एक मिनट है, मैं देख सकती हूँ। सिर्फ देखिए फ्रेंड्स कि कितने प्यारे गुलाब है, पिंक कलर, येलो, पीच कलर, रेड, ये सारे आपके इधर उगते हैं? अच्छा, ओके। और ये इतने जेट रेड फ्लावर्स, तो यहाँ पर ये इनका, इसको क्या बोलते हैं, मतलब पैकिंग बोलते हैं। अच्छा, ये पैकिंग का उनका स्टोर है जहाँ पर इनके सारे गुलाबों की पैकिंग होती है। ओ, आइस कोल्ड के अंदर उन्होंने रखा है ताकि गुलाब खराब ना हो। मतलब आप पैक करके यहाँ पर रखते हो? अच्छा, ताकि, ओके, सो ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है ताकि गुलाब अच्छे रहे। अच्छा, आप इसको दवाई डालते हो ताकि वो अच्छा रहे। अच्छा, been busy running my mouth dry, speaking lines about to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it, the perfect fit, we're back to time. ये कितने प्यारे प्यारे अगर कलर्स यहाँ पे बने हुए हैं। येलो कलर है, ये पूरा व्हाइट कलर है। अच्छा, ये व्हाइट है, मे बी वो लाइट के वजह से, लाइट की वजह से पूरा व्हाइट है ये। और ये हाफ वाइट है, ये ऑफ वाइट है। अच्छा, और ये पिंक है। Things we miss, so our interest. इसको काटते हैं, मतलब उसका पत्ता गिरा थे। अच्छा, गिराने के बाद उसका लेंथ नापा जाता है। अच्छा, 50 का, 60 का, 70 का, मतलब ये इसके ऊपर, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर ये। अच्छा, ये स्केल के ऊपर। अच्छा, इसको यहाँ पर पैक करके इसको पानी में डाल के फिर वहाँ पे अंदर रखते हो आप? ओके, तो यहाँ से कल सुबह माल जाएगा ये। यहाँ पर फ्लावर्स को साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया जाता है और फिर इन्हें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनकी पैकेजिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। The people who stand out, the faceless crowd, lost and found, picking up on the speed of sound to faster ground, moving on. I can't hold back all the new progress, what I've done best, but how about now, showing off all of the things you missed, all your interests. है कि जमीन पे लगाया तो उसका रूट
जमीन पे नीचे पहुँच जाता है। अच्छा, कुंडी में लगाए तो मर्यादा में रहता है। इसके लिए जमीन पे अगर आप पौधा लगाते हो तो बहुत फैलता है और अच्छे से होता है। इसके लिए मुंबई के वेदर में गुलाब अच्छे होते नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा, क्लाइमेट भी मुंबई का अच्छा नहीं, इधर का अच्छा है। हाँ, ठंडा है, गर्मी ज़्यादा है उधर। हाँ, समुद्र के पास में, समुद्र के वजह से ऐसे लगता है। उधर के जो जो लोग आते हैं वो वैसा बोलते हैं कि झाड़ अच्छा नहीं आता है उधर, यहाँ से तो झाड़ अच्छा लेके जाते हैं, वहाँ जाने के बाद खराब हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो ये मुझे बताते हैं इधर क्या होता है। तो हमसे तो यही लगता है इधर आज हर रोज उनका खाना वाना झाड़ू सबका वो आदमी जैसा ही रहता है। अच्छा। पानी खाना दवा सब वैसे ही रहता है। आपके यहाँ पे वेदर हमेशा यही रहता है? हाँ, मतलब नहीं रहता है ना, वो अप्रैल मई का, अप्रैल मई में थोड़ा गर्म होता है, होता है, मगर वो सिचुएशन भी वैसा लेना पड़ता है फिर। अच्छा, दवा मारते वैसे। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपने कोल्ड स्टोरेज रखा है, लेकिन जो पौधे उसको आप क्या करते हो फिर गर्मियों में? पौधे के लिए ये खुला करना पड़ता है ना। अच्छा, ये खोल देते हैं? हाँ, ये खोल देते हैं, ऊपर लेते हैं, पड़ता है। अभी ठंडी है तो नीचे दिया है। अच्छा, ज़्यादा भी ठंडा भी नहीं होना, ऊपर लेते हैं, हवा जाती है ना। अच्छा अच्छा, और ऊपर भी है ना, ये होल है ना, वहाँ से भी थोड़ा हवा आता जाता है अंदर। ओके, वैलेंटाइन के टाइम आएगी तो और अच्छा रहेगा, मतलब आप उसको पूरा है ना। अच्छा, और आप पूरा डेकोरेट भी करते हो तभी क्या? पूरा डेकोरेट, और ठंडी रहता है तो फूल बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारे फूल आते हैं। फ्रेंड्स, मैं तो आपको लेके जा रही थी संडे के दिन घूमने के लिए। मैंने जैसे आपको बताया कि आज संडे है, कहीं जाना है घूमने के लिए, लेकिन जब भी मैं घूमने निकलती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ अलग स्पॉट देखने की मज़ा लेनी होती है। और आज मैं आपको एक बीच का एक ऐसा स्पॉट दिखा रही हूँ जो स्पॉट है एक नर्सरी जहाँ से गुलाब उगते हैं और इन गुलाबों को एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर गाँव, मतलब इसको यहाँ से भेजा जाता है वैलेंटाइन डे के लिए एब्रॉड। इंडिया में भी वो लोग उसको सप्लाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ के जो फूल हैं वो जाते हैं एब्रॉड। यहाँ पे आपको पिंक कलर के, पीच कलर के, वाइट कलर के और रेड कलर के गुलाब देखने मिलेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी जो यहाँ पे संभालते हैं पूरा, जो यहाँ की मैनेजर थी उनसे बात की थी, तो उन्होंने जैसे हमें बताया कि यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फिर उनका कटिंग होता है, फिर उनका स्टोरेज होता है और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है या उन्हें मार्केट पहुँचाया जाता है। तो ये जो बेड है जहाँ पर मैं अभी हूँ, ये एक्चुअली है पीच कलर के फ्लावर्स की, जैसे उन्होंने मुझे बताया, और ये बेड अभी फ्रेश है। तो फ्रेश बेड उन्होंने डाला है फ्लावर्स के लिए, और यहाँ पर रोज़ फ्लावर का ही ये पूरा नर्सरी है। 20 एकर्स में बनाया गया ये नर्सरी, और ये रोज़ फ्लावर्स का ही सिर्फ नर्सरी है, और हर कलर के फ्लावर्स के लिए अलग अलग उन्होंने कंपार्टमेंट रखे। जैसे ये अभी सिर्फ पीच कलर के लिए, वैसे ही रेड कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए और ऑफ वाइट कलर के लिए बनाया गया है। इनको पानी दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हो ये पाइपलाइन, सो ये पाइपलाइन से इनको पानी दिया जाता है, और ये जो नीचे से पाइप जा रही है ना, इससे उनको दवाई दी जाती है। तो इस तरह से काम होता है यहाँ पर। ये बीच में एक अच्छा स्पॉट मुझे देखा नर्सरी का, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।